महाशिवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो शिव जी प्रति पूजा भाव करके हर साल मनाया जाता है। भारतीय मिथ अनुसार इस दिन शिव जी दा पार्वती नाल व्याह होया सी। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन देश दे सारे शिवलिंगा विच प्रवेश करते हैं। इस दिन हर थां उत्ते शिव मंदरां विखे भगवान शिव की पूजा की जाती है। विश्वास किया जाता है कि जिहड़ा प्राणी इस शिवरात्रि नूं निर्जल रह के वर्त करता है, शिव जी की पूजा करता है, रात भर जगराता करके सत्संग अते कीर्तन करता है, उसनूं शिव लोक की प्राप्ति हुंदी है। उत्थे ही अज नंगल दे करीबी महादेव कालेश्वर मंदिर विखे धूमधाम दे नाले दिन मनाया गया। सवेर तो ही मंदिरां विच भगत भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं अते बम बम भोले नां दे जयकारे लगा रहे हैं। ज्यादा शिव भगतां ने हाजरी लवा के भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद हासिल किया। मंदिर नूं भी फुलां दीआं मालां दे नाल सुंदर ढंग दे नाल सजाया गया सी। अज दे दिन दे लई मंदिर दे विच भंडारे का इंतजाम भी किया होया सी, जिस दे विच हजारां की संख्या दे विच शिव भगतां ने प्रसाद रूपी भोजन लिया। उत्थे ही मंदिर दे बाहर भी काफ़ी रौनक वेखण नूं मिल रही सी। लंबिया लंबिया लाइना लगा के दुकानदार समान बेचण लई मंदिर दे बाहर बैठे रहे। कालेश्वर महादेव मंदिर विच कमेटी वालों भी सारे इंतजाम पुख्ता किए गए सन तां जो आई हुई संगत नूं किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पवे। महादेव कालेश्वर मंदिर दे विच दो दिन तक चलन वाले महाशिवरात्रि पर्व का समापन अज देर शाम हो गया है। पंजाब टीवी लिए राकेश राणा दे नाल अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। Yeah.
पिछले कल जो शिवरात्रि का दिन सी कल सवेरे 2:30 बजे तो लैके अजे तक अज बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ बहुत है, लोगों की श्रद्धा और लोगों का उत्साह बहुत है क्योंकि कोरोना काल के बाद कलेश्वर महादेव मंदिर में पहला प्रोग्राम है जिद इन्ना ज़्यादा रश हो रहा है, लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। भोले शंकर के इस पर्व के लोग बड़ी धूमधाम के नाल मंदिर च आ रहे हैं। तो कल पिछले कल सवेरे 2:30 बजे तो लैके सारा दिन लाइना लगिया रही, अज भी उस तरह का ही रश है। इंतजाम साड़ी कमेटी पिछले एक महीने तो लगातार दिन रात एक करके इस प्रोग्राम का जिहड़ा इंतजाम कर रही थी। साड़ी कमेटी के जिन्ने भी मैंबर है अणथक मेहनत कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे बनाने लिए। कोरोना के चलते मंदिर के जो साड़ी कमेटी ने व्यवस्था की थी उसके मुताबिक मंदिर साडा खुला रहा और मंदिर के कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल सीगा उसका पूरा ध्यान रखा गया, मंदिर की पूरी व्यवस्था रखी गई। ये पर्व है, ये भोले शंकर का एक तरह का जो मेन पर्व है, साढ़े धर्म का भी जो बहुत बड़ा ही वो है पर्व है। संगत उत्साह बहुत है, वक् वक् पिंडा तो दूर दूर तो लोग जोड़े इतने मंदिर चाहते हैं। प्राचीन मंदिर हैगा, इहदा एक अपना ही स्थान है इस मंदिर का। सो संगतां दे उत्साह नूं देखदे हुए कमेटी वालों भी बहुत वधिया इंतजाम जिहड़े कीते गए सीगे, मंदिर नूं बहुत वधिया तरीके नाल सजाया गया सीगा। गौशाला भुनुपड़ी तो लैके मंदिर तक लड़ियां दी जिहड़ी हैगी उह लाईआं गईआं सीगीआं ते लोकां च खुशी दी लहर है भी मंदिर जिहड़ा हैगा बहुत वधिया, कमेटी बहुत वधिया उपराला कमेटी दा जिहड़ा हैगा चल रिहा। आप टी पी के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और इस कालेश्वर महादेव मंदिर में कल सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है, भंडारे चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, भजन के चल रहे हैं। आज रात को 4 पहर की पूजा हुई जिसमें पूरा रस रहा और भंडारे में भी पूरा रस पड़ा हुआ है, यथावत व्यवस्था चल रही है और बहुत आनंद आ रहा है आज का आनंद का। सभी भक्तों को सभी अधिकारी को शुभ शुभ फल मिले, भगवान भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी को सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जो हमारे व्यासपीठ पर विराजमान हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के विवाह से संबंधित और भक्तों के अपार ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। सवेरे से ही आज कथा प्रवचन चल रहा है जिसका सभी लोग आनंद उठा रहे हैं।